वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ फिर जो है रमज़ान वेट लॉस डाइट प्लान लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है और इसके रिज़ल्ट 100% जो है आप लोगों को मिलेंगे, बल्कि विद इन वीक मिलेंगे। इसमें अब ये भी नहीं है कि आपको पूरा महीना वेट करना पड़ेगा, नहीं, आपको विद इन वीक मिलेगा रिज़ल्ट। और दोस्तों, ये डाइट प्लान इतना इफ़ेक्टिव है, जिस किसने भी ये डाइट प्लान फॉलो किया है उनको इसके रिज़ल्ट जो है विद इन वीक नज़र आए हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अपना जो है सहरी डाइट प्लान की तरफ, कि हमने सहरी में क्या लेना है। सबसे पहले तो सहरी में आप लोगों ने एक जो है प्लेन चपाती लेनी है, ठीक है, सिर्फ एक लेनी है, एक से ज़्यादा नहीं लेनी। और इस जो है डाइट प्लान में आपको पराठा जो है स्ट्रिक्टली मना है, आपने पराठा कोई भी ऑयली फूड नहीं खाना। एक रोटी होगी और साथ आप लोगों ने जो है लेस ऑयल में जो है एक फ्राई एग बना के खा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर और जो है नमक डालें। और साथ आप लोगों के घर में कोई भी सालन बना है तो आप थोड़ा सा बाउल जो है सालन का भी ले सकते हैं, ठीक है। एक रोटी, अंडा और सालन, और साथ उसके साथ आप लोगों ने फिर खानी है दही। अब दही आपकी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, इसके अंदर किसी किस्म की जो है कोई भी चीनी वगैरह हमने ऐड नहीं करनी। और फिर आप चाय भी ले सकते हैं। अब चाय भी आपने ऐसे लेनी है कि इसमें आपने विदाउट शुगर आपकी चाय होनी चाहिए और जो है लेस मिल्क होना चाहिए। और साथ अब जैसे सहरी का टाइम है तो आप लोग अगर रात को जागते हैं तो कोशिश करें रात को ज़्यादा पानी पिए, ताकि सहरी तक आप लोगों की जो वाटर की जो इनटेक है वो पूरी हुई हो, ठीक है। तो ये था हमारा सारा सहरी का मेन्यू। अब रोज़ा रख के आप लोगों ने बिल्कुल सो नहीं जाना, बल्कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आधा घंटा मैक्सिमम इफ्तारी से पहले वॉक आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर करनी है। इससे ये होगा कि आपका जो वेट है ना, वो आपको विद इन वीक प्रॉपर रिजल्ट आएगा, इतना अच्छा ये डाइट प्लान है। अब चलते हैं हम अपना अफ्तारी टाइम। अफ्तारी में रोज़ा आपने अफ्तार खजूर से करना है, खजूर भी सिर्फ आपने एक लेनी है, एक से ज़्यादा नहीं खानी खजूर। और इसके साथ आप ये इस तरह का जामेश्वरी दूध जामेश्वरी पी सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ बस कुछ दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वेट लॉस जो है जामेश्वरी है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने इस डाइट प्लान में लेने हैं 2 चिकन के शामी कबाब। अगर चिकन के नहीं खा सकते तो आप बीफ के शामी कबाब खाएंगे, लेकिन 2 शामी कबाब आपने खाने हैं। हमने डाइट प्लान बड़ा सिंपल रखा है और चेंज किया, ये ऐसा डाइट प्लान है इससे आप लोगों का रिज़ल्ट जो है ना विद इन वीक शो होगा आप लोगों को। अगर तो शामी कबाब नहीं पसंद तो फिर आप इसको जो है ये इस तरह के सी कबाब मिलते हैं, आप ये खा सकते हैं, ये भी आप 2 ले सकते हैं। और इनके साथ आप लोगों ने खानी है दही फुलकियाँ या जो पकौड़ियाँ टाइप होती है ना, आपने थोड़ा सा एक बाउल वो ले लेना है पकौड़ियों का, ठीक है। और साथ आप फिर पानी की अपनी दोबारा इनटेक को प्रॉपर पूरा लेते रहें, ताकि आप लोगों की बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो। देखिए, हमने इस पर मेन्यू जो है ना बड़ा कम रखा है, लेकिन जो बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर रात का खाना आ जाता है डिनर टाइम, आपने एक रोटी ले लेनी है अगेन, और साथ फिर आप लोगों के घर में कोई भी सालन बना है, सब्ज़ी का है, चिकन का है, मटन है, व्हाटएवर, आपने सालन लेना है। और फिर थोड़ी देर तक आप चाय भी ले सकते हैं, अगेन चाय में आपने चीनी ऐड नहीं करनी और मिल्क की क्वांटिटी भी लेस रखनी है। और चाय के साथ आप लोग कोशिश करिएगा कि मिक्स नट्स का जो हैंडफुल है ना वो खाएं, ताकि आप लोगों की बॉडी को जो है ना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रॉपर मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा सिंपल सा डाइट प्लान बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।